इधर से हम लोग आए और यहाँ पे हम अपनी स्कूटी पार्किंग में लगा दिए हैं। जसवंत थाड़ा में एंट्री करने से पहले मैं आपको जोधपुर सिटी दिखाता हूँ। ऊपर से कितना सुंदर लग रहा है ये देखो, पूरे घर ही घर दिख रहे हैं यहाँ से। और काफ़ी ऊंचाई पे है जसवंत थाड़ा और यहाँ पे आप फोटो ले सकते हो, सेल्फी ले सकते हो, बहुत अच्छा आएगा सीन यहाँ पे। लो भाई टिकट आ गया, एंट्री के लिए यहाँ से टिकट ले लिए। एक पर्सन के लिए 30 रुपीज़ है। अब अंदर एंट्री करेंगे। जैसे ही अंदर जाएंगे ये देखो बड़ा सुंदर लेक आपको देखने को मिलेगा और इसको देव कुंड बोलते हैं। यहाँ पे संगीत का मजा ले सकते हो, राजस्थानी संगीत। ये देखो अंकल जी बजा रहे हैं और यहाँ पे विदेशी सैलानियाँ भी आए हैं घूमने के लिए। सीढ़ियों से चढ़ना पड़ेगा अपने को ऊपर। ये देखो यहाँ से देखो एकदम नज़ारा कुंड का। सन 1899 में जोधपुर के महाराजा जसवंत सिंह द्वितीय की याद में उनके बेटे महाराजा सरदार सिंह ने इसे बनवाया था। जसवंत थाड़ा जोधपुर जिले के जोधपुर शहर से मात्र 12 किलोमीटर की दूरी पे स्थित है। जैसे ही आप एंट्री करेंगे राइट साइड में और सबसे पहले ये स्ट्रक्चर आपको दिखेगा, ये संगमरमर से बना हुआ एक स्मारक है, तो बेहद ही खूबसूरत है इनकी कारीगरी देखो। इसके आसपास भी बहुत सारी मेमोरियल है। हाउ ब्यूटीफुल ब्रो, ऑसम। ये देखो गाइस आपके सामने जसवंत थाड़ा संगमरमर के पत्थर से बना हुआ बेहद ही खूबसूरत लग रहा है ये देखो। ओ माय गॉड, तो अभी इसके आसपास देखते हैं। ये देखो कितने अच्छे से डिजाइन किया गया है यार। जसवंत थाड़ा के सामने एक प्यारा सा गार्डन मिलेगा। वाव ऑसम। अब हम लोग अंदर जाएंगे। बहुत ही खूबसूरत कूल है अंदर का एरिया, मार्बल की कई लेयर से बनाया गया है तो काफ़ी ज़्यादा ठंडा रहता है और बहुत रिलैक्सिंग प्लेस है। एक मंदिर स्टाइल में कंस्ट्रक्शन किया गया है क्योंकि अंदर पूजा होती है और यहाँ सबके मेमोरियल है, जितने भी राजा महाराजा थे तो उन सब की पेंटिंग
बनाया गया है और किस साल से किस साल तक थे। काफ़ी हिस्टोरिकल प्लेस है और आप अंदर आओगे तो एकदम आपको शांति मिलेगी। जसवंत थाड़ा से रिटर्न होके मेहरानगढ़ फोर्ट की तरफ जा रहे हैं, तो चलो चलते हैं।